हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 7 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स चैप्टर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन है वो मंगलमय हो और आपको जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं वो मिले। अब हम चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो हमारी न्यूज है वो है एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर शक्ति के बारे में। देखो, आज एक्चुअली क्वेश्चन है वो प्रिपेयर नहीं हो पाए, तो आज की डिस्कशन में हम जो क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर शक्ति के बारे में न्यूज आई है वो हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि अभी इंडिया ने अपना एक खुद का माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम है शक्ति। अभी किसके द्वारा डेवलप किया गया, एक तो यह भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए भाई, ये बनाया किस किस ने इसको, क्योंकि ये फैक्ट एक नया इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो, IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मद्रास है, उसके द्वारा बेसिकली इसको तैयार है वो किया गया है। मतलब उन्होंने इसकी डिजाइन वगैरह वो डिसाइड की है। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम शक्ति है। मतलब इंडिया ने अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया जो कि 100% इंडिया में बना है, उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर या शक्ति। तो ये नाम जाना कि शक्ति क्या है, UPSC पूछ सकती है, कोई वेसल है या फिर पूछ सकती है कि वो मिसाइल है, तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं भी इंडिया ने खुद का अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम शक्ति है, जो कि IIT मद्रास के रिसर्चर्स के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। अब देखो, बात ऐसी है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने बेसिकली प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं छोटे छोटे, और उनके तहत वो क्या करती है, फंडिंग प्रोवाइड करवाती है। तो उसी फंडिंग के तहत बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को निर्माण है या उसको निर्मित किया गया है। तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। अब IIT मद्रास है, उसने इसकी डिजाइन बना ली है, डेवलप कर लिया है और बूट वगैरह कर लिया है। बट जो फेब्रिकेशन की जो प्रोसीजर होती है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर को कैसे जो बनाना है, आगे के जो काम है कि भाई सामान तो सारा हो गया, डिसाइड किया ऐसे ऐसे बनाना है, उसके बाद जो बाकी काम है वो इसरो की एक लेबोरेटरी है जो कि चंडीगढ़ में वहाँ पे बनाई गई है। तो देखो, इतनी इन्फॉर्मेशन कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम शक्ति है, किसने बनाया है, ये फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है। अब देखो, हम बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है। तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर है आज के इलेक्ट्रॉनिक्स के इस टाइम में हर जगह यूज होते हैं। एवन हम हमारे मोबाइल या लैपटॉप में देख सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में भी देख सकते हैं, इन्वर्टर हो, कोई भी एरिया हो, हर एरिया में बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का यूज है वो किया जाता है। तो बेसिकली जो ये माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाया गया है, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रेड का माइक्रो प्रोसेसर है। मतलब इंडस्ट्रीज हैं उनमें इसका हैवी यूज है वो होगा। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ऑपरेशन ग्रीन के बारे में। जिस तरीके से देखो हमारे देश में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जो कि आपको पता है कि दूध से रिलेटेड था, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ग्रीन है वो चलाने की बात है वो की है, उसको लेकर न्यूज है वो आई है। देखो, बेसिकली 2017-18 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन की बात है वो गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, और लगभग 500 करोड़ रुपए का फंड है वो इसके प्रोवाइड है वो करवाया गया था कि ऑपरेशन ग्रीन को 500 करोड़ रुपए हैं वो दिए जाएंगे। अब है क्या वो हम देखते हैं। कंटेक्स्ट तो देखो अभी ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री MOFPI उसने अभी इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया है कि भाई ऑपरेशन ग्रीन है, उसकी स्ट्रेटजी को आगे कंटिन्यू है वो किया जाए, मतलब ऑपरेशन ग्रीन को स्टार्ट है वो किया जाए, इस चीज़ को लिख के कंटेक्स्ट हुआ है। तो कंटेक्स्ट तो हमारा हो गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे दुग्ध क्रांति आई थी, ऑपरेशन फ्लड, उसका तो हमें पता है कि भाई उस टाइम पे दूध की जो आप बोल सकते हो कि एरिया वो कवर करने के लिए, ताकि सब लोगों को दूध की अवेलेबिलिटी है वो हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने चलाया था, इसी के साथ लोगों को न्यूट्रिशंस वगैरह भी मिल पाए, और इसीलिए ऑपरेशन फ्लड आया था। देखो, आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में, इन काफ़ी पहले भी होता रहता था, कि जो मार्केट के अंदर से टमाटर, आलू और प्याज, स्पेशली 3 चीज़ों पर फोकस किया गया है, टमाटर, आलू, प्याज पे, कि इनकी जो रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अस्थिर रहती है। जब मार्केट में नए नए आलू प्याज आते हैं तब तो इनकी रेट काफ़ी सस्ती होती है, 2-2, 4-4, 5-5 रुपये किलो, और जो ही जब मार्केट में कई बार इनकी रेट इतनी महंगी हो जाती है, 70-70, 80-80, 100-100 रुपये किलो, मतलब आप देख सकते हो कि प्राइस वोटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब प्राइस के अंदर गैप बहुत ज़्यादा होता है। कई बार तो 2 रुपये किलो प्याज मिलते हैं, और कई बार प्याज है वो 70-100 रुपये किलो हो जाते हैं। उसी तरीके से कई बार आलू है, प्याज है, इनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। बेसिकली ये ध्यान रखना है, ऑपरेशन फ्लड में 3 ही फसलों को काउंट किया गया है, एक तो टमाटर, एक प्याज और एक आलू। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, टॉप मतलब टमाटर, आलू, प्याज को इसमें बेसिकली इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। अब देखो क्या कि इसकी जो प्राइस में काफ़ी वोटिलिटी होती है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए होता क्या है मार्केट के अंदर, जैसे कि स्टार्टिंग में मान लो कि जो ही आलू की खेती अच्छी हुई तो मार्केट में आलू आए तो आलू सस्ते हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं या बोल सकते हो कि कालाबाजारी करने वाले लोग होते हैं वो आलू का स्टॉक कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली किसानों ने अपना सारा आलू निकाल दिया तो सारा आलू किसके पास जमा हो गया, इन जमाखोरों के पास, या जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, फिर ये धीरे धीरे महंगी करके निकालते हैं।
तो उससे क्या है कि प्राइस में काफी ज्यादा गैप आता है और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में महंगाई या आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए कि भाई इतना गैप ना हो, गवर्नमेंट ने बेसिकली ऑपरेशन ग्रीन है वो लेके आई है कि अगर मार्केट के अंदर आलू की जैसे डिमांड बढ़ गई और सप्लाई बहुत कम हो रही है, मतलब आलू अगर महंगे हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने फंड से अपने पास जो स्टोर किए हुए हैं वो चीज़ें निकाल देगी ताकि मार्केट के अंदर बैलेंस है वो बना रह सके। ये बेसिकली काम है वो किया जाएगा, स्पेशली तीन फसलों के लिए किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, टमाटर आलू और प्याज के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पूछ सकती है कि ओनली फॉर टोमेटो, ओनली फॉर ऑनियन, या ओनली फॉर पोटेटो, या फिर ओनली जैसे गेहूं वगैरह, कोई भी एग्जाम्पल दे सकती है, तो वहां में हमें ध्यान में रखना है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वो इसकी नोडल एजेंसी है इंप्लीमेंट करने के तौर पे, तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ऑपरेशन ग्रीन है उसको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो इसको इम्प्लीमेंट है वो करेगी। तो ये कंप्लीट न्यूज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम थोड़ा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। देखो बेसिकली एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव के काम लेकर काम करती है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। नाम से पता चल रहा है ओबियसली कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है। अब ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना कि आज़ादी के बाद ही बनाई गई है, कि 1951 में इसको बेसिकली बनाया गया था ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चर के जो भी प्रोड्यूस हो गए, जैसे कि मान लो कि कुछ भी गेहूं का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, आलू प्याज कोई भी फसल हो गई वो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर तो बनती है, तो वो जब प्रोड्यूस होगी तो उसका जो आप बोल सकते हो कि उसको प्रमोट करना हो मार्केट के अंदर, उसका ट्रेड करना हो, इन सारे कामों को बेसिकली अच्छे से रेगुलेट है वो करती है। और हम बात करें तो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट, मतलब यह चीज़ों को खरीदती है और बेचती भी है, जैसे कि मार्केट के अंदर आलू प्याज आ गए, टमाटर आ गया, गेहूं आ गया, तो उनको खरीदती है, स्टॉक करती है, फिर जब गवर्नमेंट कहती है तब उसके अकॉर्डिंग रिलीज भी करती है धीरे धीरे, या फिर अपने अकॉर्डिंग भी रिलीज वो करती रहती है। तो ये सारे इसके द्वारा काम किए जाते हैं। बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, बट इसके चार रीजनल ऑफिसर्स भी हैं, दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और 28 जोनल ऑफिसर्स भी हैं। तो देखो वो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर, इनफ है इतना ही। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को लेकर, RCS। देखो बेसिकली आपने उड़ान स्कीम के बारे में सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक, इसकी उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम किस लिए आई थी, इस स्कीम का मेन मोटो ये था कि टीयर टू और टीयर थ्री जो सिटीज है हमारे देश में, उनको बेसिकली उनमें जो भी लोग रह रहे हैं उनके एक अफोर्डेबल सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जाए, स्पेशली एयर की, मतलब हवाई यात्रा वो सस्ते में कर सकें ताकि एयर कनेक्टिविटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसके लिए बेसिकली उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है वो लाई गई थी। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है, तो यह ध्यान में रखना क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की स्कीम बहुत कम ही आती है, तो ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का मेन मोटिव यह है कि जो रीजनल एरियाज हो गए आसपास के, उनके बीच में कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, स्पेशली एयर के थ्रू। तो यह ध्यान रखना है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ही तो उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी, और यह स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है। काम क्या है कि लोगों को अफोर्डेबल और चीप जो हवाई यात्रा है वो मुहैया करवाई जा सके, तो यह इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है। तो अभी कंटेक्स्ट यह है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में इसका तीसरा एडिशन लॉन्च करने की बात हो की जा रही है, तो इसके लिए अभी एक तरीके से आपस में विचार विमर्श वगैरह कि कौन कौन सी फ्लाइट की कंपनीज हैं वो तैयार है इसके लिए, तो वो ड्राफ्ट वगैरह की बातें चल रही हैं, तो यह ध्यान में रखना है। एक तो यहाँ UPSC पूछ सकती है कि ओनली फॉर टीयर टू सिटीज के बीच में कनेक्टिविटी के लिए है, ओनली टीयर थ्री वगैरह, तो यह ध्यान रखना है कि टीयर टू और टीयर थ्री दोनों ही तरह की सिटीज को इसमें कनेक्ट रखा गया है ताकि आम आदमी भी इसकी यात्रा को अफोर्ड है वो कर सके हवाई यात्रा में। इसमें बेसिकली ये प्रावधान किया गया है कि एक घंटे तक की जो भी हवाई यात्रा है उसका मैक्सिमम फेयर 2500 रुपये होगा, इस तरीके से गाइडलाइंस वगैरह रखी गई हैं। इसके साथ ही देखो एयरलाइंस का ये भी आरोप रहता है फिर कि भैया अगर हम ऐसे सस्ते में फ्लाइट प्रोवाइड करेंगे तो हमें घाटा भी होगा ऑब्वियसली। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है वो प्रावधान किया है। मतलब क्या होगा कि जैसे कि मान लो कि हिसाब से देखा जाए तो प्राइस है 3000 रुपये, जबकि स्कीम के तहत टिकट मिली है 2500 रुपये की मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या 500 रुपये का फ्लाइट को लॉस हो रहा है, तो वो 500 रुपये बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगी, एक फंडिंग है जिसका नाम एक फंड है वह वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसके तहत बेसिकली एयरलाइंस को प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा। तो यह ध्यान में रखना है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है वो UPSC पूछ सकती है कि जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की स्कीम है वगैरह वगैरह, तो यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ओजोन लेयर को लेके, ओजोन होल को लेके। कंटेक्स्ट अभी यह है कि नासा ने अभी रिसेंटली एक स्टडी के थ्रू कंफर्म किया है
कि भाई ओजोन लेयर है वो एक तरीके से लगातार है, वो रिकवर होती जा रही है। तो हम थोड़ा ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं, इसके बाद में और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखो ओजोन लेयर की हम बात करें तो सबसे पहले तो आता है हमारी अर्थ के ऊपर की बात करें तो आता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है वो 0 से 12 किलोमीटर है, कुछ जगह 8 किलोमीटर है वो लिखा हुआ रहता है, अलग अलग है बेसिकली। देखो अलग अलग का मतलब ये है कि जो पोल है वहाँ पे तो होता है बेसिकली कम, वहाँ पे तो होता है 0 से 8, और जो बीच वाला एरिया होता है जिसे हम एक तरह से भूमध्य रेखा बोलते हैं इक्वेटर, वहाँ पे 12 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ होता है। तो ये कुछ फैक्ट से हो जाते हैं। देखो ये सब इतना डीपली नहीं जाने की जरूरत है, ओबियसली 10 किलोमीटर भी लिखा हो सकता है, कहीं कहीं 12 भी लिखा होता है। इसके बाद में आता है हमारा स्टेटोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर के बाद में मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर के बाद में थर्मोस्फेयर, और बाद में एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर का मतलब क्या होगा कि वायुमंडल के बाहर वाला। तो देखो जो स्टेटोस्फेयर है ना, मतलब जो दूसरी लेयर है, उस लेयर के अंतर्गत बेसिकली ओजोन है वो पाई जाती है। तो यह ध्यान में रखना है कि स्टेटोस्फेयर है वो बेसिकली लगभग 12 से 50 किलोमीटर की रेंज के बीच में होती है, उस रेंज में बेसिकली ओजोन लेयर है वो पाई जाती है। और वहाँ पे कहाँ पे, वहाँ पे भी बेसिकली 20 से 30 वाली रेंज में ही पाई जाती है, मतलब ऊपर वाले हिस्से में नहीं, लोअर जो वाला हिस्सा हो गया उस हिस्से में बेसिकली ओजोन लेयर है, वो ओजोन गैस है वो पाई जाती है। अब देखो ओजोन है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो भी सनलाइट आती है बाहर से, सूर्य से जो सनलाइट आती है अर्थ की तरफ, उसमें अल्ट्रावायलेट रेंज होती है, यूवी रेज होती हैं, वो क्या करती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी को या फिर एनिमल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट है वो करती है, और उनके लिए खतरनाक होती हैं। इवन उनसे स्किन कैंसर वगैरह, काफ़ी खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं, और हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए ओजोन लेयर क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, मतलब जो यूवी रेज आती हैं उनको फिल्टर कर देती हैं। तो होता क्या है कि जो ही यूवी रेज आई सन के साथ, सनलाइट के साथ, वो उससे ओजोन लेयर से टकराएंगी और वापस चली जाएंगी, तो हमें एक तरीके से सुरक्षा है वो मिल जाती है कि यूवी रेज अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती हैं। बट देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जो रेफ्रिजरेटर में जो गैसें यूज की जाती थी पुराने टाइम पे, वो ज़्यादा इफेक्ट करती थी, और इसकी वजह से ओजोन लेयर ज़्यादा जल्दी डिप्लेट है वो हो रही थी। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो बेसिकली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ना CFC, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है क्लोरीन, एक होती है फ्लोरीन, और एक होता है कार्बन। मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन को मिला के बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बनाया जाता है, और ये काफ़ी हद तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना जो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को डिप्लीट है वो करता है। इसलिए जब भी जो एयर कंडीशनर और जो AC बनाए जाते हैं आज के टाइम पे, उन पे बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज वो नहीं किया जाता, नई तरह के जो शीतलक हैं उनका यूज है वो किया जाता है कूलेंट के तौर पे। अब कम जो प्रोसीजर क्या होती है, थोड़ी मैकेनिज्म भी हम देखते हैं कि किस तरीके से ओजोन लेयर है, जो ओजोन है O3, वो टूट जाती है और क्या उसका नुकसान हो रहा है। देखो जो ही सूर्य की जो सनलाइट आती है यूवी रेज, वो जो भी ओजोन है वहाँ पे या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंस होती है, तो होता क्या वो देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर जो ही सनलाइट गिरेगी तो क्या होगा, इसमें से क्लोरीन अलग हो जाएगी। अब वो अकेली क्लोरीन है वो ऑब्वियसली किसी के ना किसी के साथ क्रिया करने की कोशिश करेगी, तो ये क्या करेगी, ओजोन है ना O3, इसको तोड़ देगी। तो इसको तोड़ के क्या करना देगी, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी कर रखा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे जो ही यूवी रेज गिरती है तो बेसिकली क्लोरीन है वो अलग तरीके से फ्री हो जाता है। अब जो फ्री क्लोरीन है ये क्या करता है, ओजोन है इसके साथ क्रिया करने की कोशिश करता है, और इसके साथ क्रिया कर लेता है बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें अटैक किया जाता है एक तरीके से, और O3 को क्या करता है, ओजोन को O2+CiO, मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं CLO, कि ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, और एक तरीके से क्लोरीन है वो ऑक्सीजन के साथ हो गया। अब जो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ है ये वापस क्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन तो फ्री हो जाता है और वापस में ऑक्सीजन बन जाती है। तो एक तरीके से आपको लग रहा होगा कि यार ये तो अच्छा ही काम हो रहा है कि ऑक्सीजन बन रही है, देखो ये अच्छा नहीं हो रहा, ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यूवी रेज है ना वो फिर क्या होंगी, प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगी यहाँ पे, मतलब यूवी रेज है वो कहीं ना कहीं फिल्टर नहीं हो पाएंगी O2 की वजह से, और इसीलिए वो हमारे अर्थ तक पहुंच जाएंगी। तो ऑक्सीजन तो बन रही है बट ऑक्सीजन किस काम की, अगर हमें और तरह की डिजीज होने लग जाएंगी तो इसीलिए जो क्लोरीन है वो ऑक्सीजन तो बनाती है यहाँ पे बट काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसके होते हैं। तो इसीलिए बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने या बोल सकते हो तो काफ़ी सारे प्रयास हैं वो किए गए थे, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर वो किस तरीके से है और क्या इसमें प्रोसीजर है वो होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ICGH वर्षा के बारे में। ICGH वर्षा है वो देखो एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, बस यही ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका यही है कि ICGS है क्या, यह एक तरीके का ऑफशोर पेट्रोल वेसल, मतलब पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए ओशन में एक उपकरण आप बोल सकते हो कि सीप है, तो यह ध्यान रखना है। बेसिकली अभी इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चेन्नई में लॉन्च है वो किया गया था, तो उसको लेके अभी न्यूज़ है वो है, और ये इंडिया के द्वारा मतलब 100% स्वदेशी बनाया गया। किसके द्वारा,
L&T कंपनी है, उसके द्वारा बेसिकली इसको बनाया गया है 98 MOPVS डिजाइन के तहत। तो ये इतना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये होना चाहिए कि बनाया किसके द्वारा गया है और है क्या। इसमें देखो एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसके नेविगेशन सिस्टम को यूज किया गया है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, सेंसर्स वगैरह को यूज है वो किया गया है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।